everyone. My name is Pranjali Sole and I have gained an admission for MBA in SCM-HRD. और मैं आज अंकेश सर मैं अपनी कैट और एग्जाम्स के प्रिपरेशन के 3 महीने पहले जब सर से मिलने आई थी मेरा ये ओपिनियन था दैट BA आई कैन हैंडल ऑन माई ओन बट QA इज नॉट माई कप ऑफ टी मुझसे QA बिल्कुल नहीं होता बट देन विद द हेल्प ऑफ रिग्रेस प्रिपरेशन एंड गाइडेंस ऑफ अंकेश सर आई नॉट ओनली स्कोर्ड वेरी गुड इन माई एग्जाम्स बट स्पेशली इन QA इन ऑल द सेक्शन कट ऑफ्स आई स्कोर्ड द बेस्ट इन माई QA सो इट वॉज ऑल थैंक्स टू अंकेश सर एंड हिज प्रॉपर गाइडेंस इन QA that I was able to not only score good but get into such a good college like SCM-HRD. स्टॉलवर्ट क्लासेस की जो बेस्ट बात है वो यहाँ का लिमिटेड बैच साइज है कम लोगों में चीज़ें ज़्यादा इजीली समझ में आती है डाउट्स ज़्यादा इजीली समझ में आते हैं अंकेश सर की हमेशा ये प्रैक्टिस रही है कि वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3-4 तरीके बताते हैं सो दैट हम लोग जिस भी मेथड से कंफर्टेबल थे हम लोगों ने वो चीज़ फॉलो की जब भी कोई डाउट होता था दे वर ऑलवेज एंटरटेन उन्हें भी बहुत अच्छे से सॉल्व किया जाता था एंड ड्यूरिंग द एंटायर प्रिपरेशन कभी भी ऐसा होता था कि होप लूज कर जाते थे मोटिवेशन लूज कर जाते थे तो अंकेश सर पर्सनली काउंसलिंग लेके फिर से हमें मोटिवेट करते थे फिर से हमें यू नो हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करते थे सो हिज कंटिन्यूस गाइडेंस एंड मोटिवेशन हैज हेल्प अस टू अचीव सच सक्सेस एक बार अच्छे स्कोर्स आने के बाद फिर से मेरा एक नया जो शगुफा था दैट वाज मैं अच्छी लंबी चौड़ी 20-25 कॉलेजेस की लिस्ट लेके आ जाती थी एंड आई वांटेड टू फिल एप्लीकेशंस फॉर ऑल दोज कॉलेजेस बट देन ये गाइडेंस देना कि उन सारे कॉलेजेस में से कौन सी ब्रांच या कौन सा कॉलेज मेरे लिए या मेरी प्रोफाइल के लिए सूट होता है ये अंकेश सर का ही था मैंने उनको बहुत परेशान किया विद ऑल माई लंबी लंबी लिस्ट गूगल से निकाल निकाल के बट देन इसको शॉर्टलिस्ट करके एक प्रॉपर काउंसलिंग सेशन लेके मेरे लिए जो प्रॉपर कोर्सेज थे प्रॉपर कॉलेजेस थे सर ने मुझे वही बताया मैंने उनमें अप्लाई किया एंड इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ दैट कि मैं अपने मनपसंद कोर्स में अपने मनपसंद कॉलेज में आज हूँ जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे कैट के लिए प्रिपेयर करना है तब मैं काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में गई थी पता करने प्रिपरेशन कैसे करने क्या करने बट या तो कुछ इंस्टीट्यूशंस में भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग पर्सनली अटेंशन देने को रेडी ही नहीं थे पर्सनली कोई क्वेरीज ही नहीं सॉल्व करने को रेडी थे एंड जहाँ पे जिन्होंने पर्सनली मेरी क्वेरी सॉल्व करनी चाहिए उन लोगों का ये कहना था कि मैं रिलेटिवली थोड़ी लेट हो गई हूँ सो आई शुड टेक एन ईयर ड्रॉप एंड फिर मुझे कैट के लिए ट्राई करना चाहिए बट इन दैट केस मेरा पूरा एक साल वेस्ट हो जाता एंड आई वॉज नॉट रेडी टू डू दैट इसलिए फिर मैं जब अंकेश सर से मिली तो अंकेश सर का रवैया कंपैरेटिवली बहुत डिफरेंट था उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि कम टाइम में आप कैट नहीं सॉल्व कर सकते उनका हमेशा ये रवैया था कि तुम कोशिश करो तुम पढ़ना शुरू करो तुम कैट अटेम्प्ट करो नहीं हुआ तो देखेंगे क्या कर सकते हैं बट देन ही वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट एंड शायद उनकी वो पॉजिटिविटी थी जिस वजह से मैंने इतने कम टाइम में इतना अच्छे से प्रिपेयर किया एंड वॉज एबल टू गेट थ्रू ऑल दी एग्जाम्स एंड अगेन गेट इन टू सच ए गुड कॉलेज कई सारे मेरे फ्रेंड्स या जूनियर्स या सीनियर्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े नामों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बट ये चीज़ समझना नहीं होती कि जहाँ क्वांटिटी है वहाँ क्वालिटी का होना ज़रूरी नहीं है नाम जितना बड़ा होता है भीड़ जितनी ज़्यादा होती है उतना ही पर्सनल अटेंशन कम होता जाता है एंड व्हेन द क्वेश्चन इज अबाउट योर करियर आप भीड़ में कुछ भी करना पसंद नहीं करते क्योंकि करियर हर एक का पर्सनल होता है सो विद अंकेश सर वो एक पर्सनल गाइडेंस वो एक पर्सनल टच टूवर्ड्स योर करियर मिलता है विच इज़ वेरी हेल्पफुल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि एक बार क्लास में जो पढ़ाया वो पढ़ा दिया जिसको समझ में आया आया जिसको नहीं समझ में आया दे डोंट केयर बट देन यहाँ पे स्टार्वर्ड क्लासेस में क्या होता था कई बार ऐसे टॉपिक्स होते थे जिसमें जो मुझे भी नहीं आते थे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बट वो हम क्लास के बाद सर से पूछते थे और सर हमें फिर से रिविजन करवाते थे सारे कंसेप्ट का सारे क्वेश्चन का प्रॉपरली उस चीज़ का ध्यान दिया जाता था सो आई थिंक हियर देर आर पीपल हु एक्चुअली केयर कि आपको समझ में आया या नहीं आया So that is what matters. कंटेंट के रिगार्डिंग भी कई लोगों को लगता है कि कैट क्रैक करने के लिए मोटी मोटी बुक्स पढ़नी चाहिए या इतना सारा मटेरियल अवेलेबल रहता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बट हियर विद द हेल्प ऑफ अंकेश सर बहुत कंसाइज मटेरियल था एंड वो पढ़ने के बाद जब हमने एक्चुअली एग्जाम्स फेस किए सो वी रियलाइज कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमने पहले फेस नहीं किया था या हमने पहले नहीं पढ़ा था एंड उसके लिए हमें कोई बहुत मोटी मोटी या बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ा था बहुत कंसाइज मटेरियल था
एंड हम लोगों का जो बैच था इट वॉज सच अ गुड बैच कि आज के डेट में हम लोग सब किसी ना किसी अच्छी जगह में हैं, कोई अच्छे कॉलेजेस में हैं एंड वी आर ऑल डूइंग ग्रेट विथ आवर ओन करियर्स एंड इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड क्लासेस एंड थैंक्स टू अंकेश सर.